Hi guys, assalamu alaikum. Welcome to Lifestyle by Munazza and welcome to a very interesting video. I've just bought a new hair straightener and I wanted to do unboxing with all of you. So remember ki ye review video nahi hai kyunki maine abhi is straightener ko use hi nahi kiya. This is just a first impression and unboxing video. To main straightener aapko dikha deti hu. This is the straightener. This is Remington S9500. Maine iski bahut tareef suni thi. एंड दिस इज वाई आई गॉट दिस हेयर स्ट्रेटनर. तो चले इसको अनबॉक्स करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाहर लिखा क्या है. इसके बाहर लिखा है रेमिंगटन स्टाइल प्रोफेशनल. सो बेसिकली इसको प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर कहा जाता है जो कि प्रोफेशनल पर्पजेस के लिए यूज होता है. इसके बाहर डब्बे पे मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, सिर्फ एक क्लेम, ये मेजर क्लेम है इसका, कि इसके जो सिरेमिक प्लेट्स हैं वो कोटेड हैं विद रियल पर्ल्स, रियल पर्ल मटेरियल से कोटेड हैं, जिसकी वजह से ये 8 times स्मूदर है रेगुलर सिरेमिक जो हेयर स्ट्रेटनर है. और मेरे पास पहले जितने भी 2-3 हेयर स्ट्रेटनर हैं वो सब प्लेन सिरेमिक उनकी प्लेट्स हैं. तो आई विल सी कि क्या ये 8 times स्मूदर है या नहीं है और 5 times लॉन्ग लास्टिंग. सो ये तो मैं आपको काफ़ी सारे यूज़ के बाद ही बता सकूँगी कि ये 5 times लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है. दूसरा, एक 3 क्लेम्स किए हुए हैं कि इसमें ये 10 seconds में हीटअप हो जाता है. तो वील चेक इट इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने ये लिया है अल्फते से और इसकी 1 year गारंटी है. ठीक है, मैं इसकी प्राइस भी नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं यहीं पे चला दूंगी. तो लेट्स ओपन इट एंड लेट्स सी कि ये किस तरह का है. और अच्छा, तो ये बॉक्स अब आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहा था इसकी प्राइस यहाँ लिखी है 8900 और इस ये आपके सामने इसकी पिक्चर भी डिस्प्ले हुई है. इसके जो क्लेम्स मैं आपको पढ़ के दिखा रही थी कि 10 seconds में हीटअप हो जाता है, 235 डिग्री इसका टेम्परेचर है और 8 times स्मूदर है, 5 times लॉन्ग लास्टिंग है और एडवांस सिरेमिक अल्टीमेट विद रियल पर्ल उनसे बना है. अच्छा, तो ये अब हमारे सामने बैग आ गया है जिसमें हमारा हेयर स्ट्रेटनर है. ये भी आई थिंक सील्ड ही है और ये दोनों तरफ से सील्ड है. सो वी जस्ट ओपन इट लाइक दिस. मैं इसको टेयर ऑफ कर लूँगी. ठीक है, तो ये बॉक्स है जिसके अंदर ये फिटेड है. ये आई थिंक इसका यूजुअली जो हेयर स्ट्रेटनर मैंने पहले लिए हैं उनके साथ कभी भी पैकेजिंग नहीं आई, यानी उसका कवर नहीं आया. तो ये इसके साथ एक कवर भी है जिसके अंदर आप अपना हेयर स्ट्रेटनर सिक्योरली रख सकते हैं. ये बहुत अच्छे मटेरियल का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा नीट सा आपको नज़र आ रहा होगा. वाइट कलर का है विद एम्बोस्ड रेमिंगटन रिटन ऑन इट, नॉट एम्बोस्ड बट अंदर से जो अंदर लिखा होता है. ये इसकी जो मैनुअल वगैरह है आई थिंक वो है. अच्छा, ये हेयर स्ट्रेटनर हमने बॉक्स से निकाल लिया. और इसकी वायर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी लंबी है. बहुत अच्छी खासी लंबी है, ये देखें. सो दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग वायर विच इज अ वेरी गुड थिंग. अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये 10 minutes में हीटअप होगा या नहीं. लेकिन उससे पहले इसकी आप ये देख लें कि इसकी जो प्लेट्स हैं दे आर नॉट टू वाइड. और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसलिए कि उससे फ़ायदा ये होता है कि आप कर्लिंग भी आराम से कर सकते हैं. अच्छा, ये इसका ऑन एंड ऑफ आई थिंक बटन है. इससे टेम्परेचर तेज़ होता है, इससे कम होता है. इस पर टेम्परेचर के लिए कोई डिस्प्ले नहीं है जिससे आपको पता चल सके कि ये मुझे इसकी बहुत ही एक ऑड बात लग रही है कि आपके पास यहाँ पे कोई डिस्प्ले होना चाहिए. जैसे मेरे पास रेमिंगटन आई थिंक कैरेटन उसे कहते हैं, ब्लू कलर का है, शाइन थेरेपी. हाँ, उसमें मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन टाइप सी है जिसके ऊपर लिखा आ जाता है कि कितना टेम्परेचर है. तो इस पर देखें कुछ भी नहीं लिखा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कम आपने कितना रखा हुआ है और ज़्यादा कितना. लेकिन खैर, कम ज़्यादा वाला ये बटन है, कम वाला ये है. सो लेट्स स्विच इट ऑन और देखें कि क्या ये 10 seconds में हीटअप हो जाता है या नहीं, जैसे इन्होंने क्लेम किया हुआ है. अच्छा, तो ये अब आपके पास स्ट्रेटनर है जिसको अभी मैं स्विच ऑन करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या ये 10 seconds में वार्म अप होता है, हीट अप होता है या नहीं होता. तो ये मैंने पीछे से ऑन कर दिया और ये मैं आपको गलत कह रही थी कि इसके कोई स्क्रीन नहीं है जिसके ऊपर टेम्परेचर लिखा ना आ रहा हो, क्योंकि अगर आई डोंट नो आपको कैमरा में नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लू सी लाइट है ये बेसिकली टेम्परेचर शो हो रहा है. तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल शो होता है यहाँ पर, ये ब्लूइश सा. तो लेट स्विच इट ऑन और ये इसने देखे एक बजर सा दिया है. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो आई होप
ये इतना गर्म है कि देखें मुझे यहाँ हीट आ रही है अपने हाथ पे, मतलब आई कांट डेयर टू टच इट क्योंकि ये बहुत हीट अप हो गया होगा। तो ये अब देखें, ये आई थिंक बजर यही है कि ये हीट अप हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 190 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इससे मैं देखती हूँ कि ज़्यादा हो पाता है कि नहीं। हाँ ये अब 2 हो गया, 210 हो गया, 220 और आई थिंक 230 इसकी मैक्स है। मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाना चाह रही हूँ। अब लेट स्ट्रेटन माय हेयर, तो देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटनिंग इसकी ज़्यादा स्मूदर है जैसे ये क्लेम करता है। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि इसकी प्लेट्स जो हैं वो बहुत शाइनी हैं, और अगर आपको कैमरे पर नज़र आ रहा हो तो इवन धुआं भी निकल रहा है अब इनकी इस प्लेट से। तो ये प्लेट्स अगर मैंने, मेरे पास है रेमिंगटन का शाइन थेरेपी भी है, S3500 भी है, तो इतनी शाइन किसी भी प्लेट्स में नहीं है जितनी इस वाले में है। और ये इसलिए प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर भी इसे कहा जाता है। तो एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है स्ट्रेटनर की, वो ये है कि अगर आप इसे 10 seconds, हालांकि इसके बॉक्स पे ये क्लेम्स नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने इसको 10 seconds से ज्यादा हीटअप रखा और मैंने अपने बालों को स्ट्रेट नहीं किया तो ये खुद ही टर्न ऑफ हो गया। तो मेरे पास जो S3500 है वो खुद से टर्न ऑफ नहीं होता अनलेस के आप उसे जब तक टर्न ऑफ ना करें। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप कभी कभी भूल जाते हैं तो वो ओवर हीटिंग नहीं होती या बिजली भी जाया नहीं होती। तो अब मेरे बाल आपके सामने, मेरे बाल वैसे भी बहुत वेवी या कर्ली नहीं है एज यू कैन सी, लेकिन ये है कि अब देख लें इनमें कोई इतनी शाइन वगैरह नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये शाइन लाता है, कितना स्मूथ करता है। पहले मैंने टाइम लैप्स पे लगाया था लेकिन ये इतनी मजे से ग्लाइड हो रहा है कि मैं आपको वो दिखाना जा रही थी कि कितना मजे से ये स्लिप होता है बालों पे। ये जब अपना टेम्परेचर जिस पे पहुंच जाता है तो उसके बाद बजर दे देता है ताकि आपको पता चल जाए एज यूजर कि आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो अचीव हो गया है। और इसकी बहुत स्मूद है, ये प्लेट्स इतनी स्मूद है, इतने मजे से जा रही हैं। अच्छा अब आपके सामने ये वाला स्ट्रेटनिंग है, ये मैंने एक दो लॉक्स नहीं किए वो मैं कर देती हूँ, और ये वाली स्ट्रेटनिंग नहीं है। तो आप देख लें कि मुझे स्ट्रेटनिंग इसकी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन जो इसके ऊपर क्लेम है कि ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा शाइन ले आता है तो वो मुझे एज सच नजर नहीं आई, क्योंकि अगर आप बालों पे भी देखें तो ये वही शाइन है जो प्रिटी मच मेरे बालों पे पहले भी स्ट्रेटनर यूज करने से पहले भी, ये देखें ये शाइन है। इस साइड पे मैंने स्ट्रेटनर यूज नहीं किया लेकिन इस साइड पे देखें तो रफली वही शाइन है, बट ऑब्वियसली ये स्ट्रेटन अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं कि क्या ये रिमिंगटन शाइन थेरेपी से ज्यादा स्ट्रेटन कर रहा है, तो फर्स्ट लुक में, फर्स्ट इंप्रेशन में मैं ये कहूंगी कि नहीं, ये ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा स्ट्रेटन कर रहा है जितना मेरे पास शाइन थेरेपी है ब्लू कलर वाला जो होता है। ये वैसे जैसे मैं इसे वक्त के साथ यूज करूंगी आई गेट टू नो मोर अबाउट इट, मैं इसकी डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर शेयर करूंगी। मैं एटलीस्ट इसे 1 month यूज कर लूँ क्योंकि मैं स्ट्रेटनर जो है वो ऑलमोस्ट रोज यूज करती हूँ एक्सेप्ट फॉर सैटरडे या एक्सेप्ट फॉर संडे, बट इट इज अ लिटिल बिट हैवी जब आप इसे स्ट्रेटन करते हैं। जैसे मेरे पास जो S3500 है वो बहुत लाइट वेटेड है, उससे बड़े मजे से कर्ल्स हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका वेट है जिसको कर्ल करते हुए आई थिंक थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। फिर इसकी एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, जब ये हीटअप होता है तो ये इसकी टॉप भी हीटअप हो जाती है, जो कि यू नो इट इज नॉट कंफर्टेबल व्हेन यू आर यूजिंग। जैसे शाइन थेरेपी जो है वो आई थिंक, वो मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वो आई थिंक ऊपर से हीटअप नहीं होता, ये ऊपर से भी हीटअप हो गया। और देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है। तो दूसरा ये कि जैसे शाइन थेरेपी की थिंक एयर प्लेट्स हैं, यानी जब आप उसे लॉक कर देते हैं यहाँ से तो वो इतने स्पेस में रहती हैं जिससे ये आपस में, इसके स्क्रैचेस नहीं पड़ते आपस में टकराने की वजह से, इसका ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल फर्स्ट लुक मुझे बहुत पसंद आई है, बट इतनी पसंद आई है जितनी रिमिंगटन के किसी भी अच्छे स्ट्रेटनर की होती है। इसमें मुझे कोई फर्स्ट इंप्रेशन में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं नजर आई जो मैं आपसे कहूँ कि आप यही वाला लें। और एक और चीज जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई फर्स्ट इंप्रेशन के लिहाज से, वो ये है कि जब ये ओवर हीट हो जाता है, यानी जब आप इसका, तो ये खुद ही से बजर देना शुरू कर देता है। तो क्या इसका मतलब है कि ये टर्न ऑफ हो जाता है, या क्या इसका मतलब है कि हीटिंग रोक देता है? आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।